लोग पहुंच चुके हैं अभी वहाँ पे। मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहा था और ये है जहाँ पे सेरेमनी होने वाली है। तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल चुका है फाइनली। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंग्लैंड। और आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज फाइनली 6 ईयर्स के बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप मुझे मिलने वाली है आज। तो काफ़ी टाइम वेट किया है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से ऐसा थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ क्योंकि यार जब आप ब्रिटिश सिटीजनशिप लेते हो, कि कोई भी सिटीजनशिप लेते हो, तो आपको अपनी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस करनी पड़ती है क्योंकि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। अगर इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता होता तो डेफिनेटली रिनाउंस नहीं करनी पड़ती और हम दो सिटीजनशिप ले सकते हैं। बट बहुत सारे रीजंस हैं सिटीजनशिप लेने के, यहाँ का पासपोर्ट लेने के। अभी बस दिन स्टार्ट हुआ है, मैं रेडी हुआ हूँ और आज सेरेमनी है। यूके में क्या होता है, आपको 5 साल तक स्किल्ड वर्कर वीजा पे रहना होता है या फिर डिपेंडेंट वीजा पे। मैं डिपेंडेंट वीजा पे था, अभी जो थी वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे थी। 5 साल के बाद आप ILR अप्लाई करते हो, मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी, और उसके बाद 1 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो टाइम आ चुका था और मैंने अप्लाई किया था और आई थिंक अभी तो इन्होंने फीस भी काफी बढ़ा दी है, शायद से £1500 है सिटीजनशिप की फीस। और हमने बहुत पैसे दिए यार इमिग्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है सिटीजनशिप लेने का वो यही है कि हमें वीजा पे बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अब वो जितने पैसे हमने दिए वो दे दिए, अब नो मोर मनी। अभी फिर भी मुझे पासपोर्ट के लिए पैसे देने हैं। आज का दिन जो है वो बहुत स्पेशल है और आज सिटीजनशिप सेरेमनी है। हमें लोकल काउंसिल पे जाना पड़ता है, जो भी यहाँ पे लोकल काउंसिल होता है, जैसे हम लोग लेमिंगटन में रहते हैं तो वॉरिक काउंसिल है यहाँ पे, वहां पे बुक की हुई है हमने सेरेमनी, वहां से इन्विटेशन आता है और ग्रुप सेरेमनी है तो काफी सारे लोग आएंगे। फाइनली अभी भी रेडी हो चुकी है, तो मैं रेडी होके अच्छे से आ चुकी हूँ, मैंने बाल बाल भी स्ट्रेट कर लिया है और मेरे को तो जाने का मौका नहीं मिला था सिटीजनशिप सेरेमनी के लिए क्योंकि मेरी जो सेरेमनी हुई थी वो कोविड टाइम्स में हुई थी और घर पे ही हुई थी ऑनलाइन। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू सी कि एक्चुअल में वो सेरेमनी क्या होती है, कैसे वहाँ पे 1500 pounds किस चीज के दिए हमने, किस चीज के पैसे दिए। सही बात है। तो मेरे को क्वेश्चन पूछना है आपसे कि आपको कैसा लग रहा है यार। ये बहुत ही बेसिक सवाल है बट आई थिंक हर किसी के इमोशंस डिफरेंट होते हैं, सो इट्स वर्थ आस्किंग। मुझे मिक्स फीलिंग है क्योंकि मुझे ऐसा लग, मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है कि हाँ चलो ठीक है यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा, बट मुझे ये भी लग रहा है कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो छोड़नी पड़ेगी। और वो अगर डुअल सिटीजनशिप होती तो फिर क्यों ही छोड़ता कोई, है ना। लेकिन ये भी है कि इंडिया की सिटीजनशिप अगर आप छोड़ते हो तो उसमें आपको दो चीजें होती हैं जो डिसएडवांटेज होती है, मेन दो मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते बाहर के पासपोर्ट पे, और अगर आपके नाम पे है तो वो भी आपको बेचनी पड़ेगी एग्रीकल्चर लैंड, आप ओन नहीं कर सकते, ओन नहीं कर सकते। लेकिन आप नॉर्मल दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। OCI लेना पड़ता है आपको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया करके एक जो OCI कार्ड होता है वो आप ले लेते हो, तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। फिर आप विदाउट वीजा आप इंडिया जा सकते हो 10 साल तक, वो 10 साल बाद रिन्यू करना होता है। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इंडिया की जो वोटिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आप पॉलिटिक्स भी ज्वाइन नहीं, पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकते। वो तो चलो ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं करनी थी। अगर आपकी ये दो चीजें आपको नहीं, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, हाँ। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो इसलिए हमें पॉलिटिक्स में भी लाइक इन फ्यूचर वी आर नॉट प्लानिंग टू गो इनटू पॉलिटिक्स, तो हमें ऐसे लगा आई थिंक मेन रीजन यही है कि हम लोग वीजा फ्री ट्रैवल कर पाएंगे। हाँ, आप 180 कंट्रीज के अराउंड है, आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। हाँ। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है यूके का पासपोर्ट लेने का कि क्योंकि अब देखो ना यार, बार बार अब हम यूरोप में रहते हैं तो यहाँ से बार बार ट्रैवल करना है, यूरोप जाना है या कहीं पर भी जाना है, US जाना है, कनाडा जाना है, तो आपको बार बार वीजा का चक्कर नहीं पड़ेगा। वही है यार सबसे बड़ा रीजन तो यूके का पासपोर्ट लेने का यही है कि हम वीजा फ्री ट्रैवल कर पाएंगे काफी सारी कंट्रीज में। तो और ऑलरेडी मैंने ले लिया सिटीजनशिप, तो आप इट मेक्स सेंस कि आप भी ले लो क्योंकि हम फिर आराम से ट्रैवल कर पाएंगे, फिर नहीं तो अलग अलग लाइंस में आपको जाना पड़ता है, वो सब चीजें भी होती है। तो बस यही सारे रीजंस हैं हमारे और वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत ज्यादा टाइम लगता है यहाँ पे ये सिटीजनशिप लेने के लिए, यू गो थ्रू सो मच, सो मेनी इमोशंस ओवर द इयर्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो
बहुत सारी चीजें जाती है एंड इट्स अ बिग माइलस्टोन एंड इफ वी हैव डिसाइडेड कि हमने सिटीजनशिप लेनी है सो वी मस्ट सेलिब्रेट दैट एज वेल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई भी लाइफ का जो बड़ा माइलस्टोन होता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और अच्छे से लाइक उसको एंजॉय भी करना चाहिए. तो बस हम निकल चुके हैं और टिपिकल ब्रिटिश वेदर, बारिश शुरू हो गई है. बस अभी हम लोग जा रहे हैं आदि को पिक करने के लिए. आदि भी चल रहा है साथ में. दो मैक्सिमम दो गेस्ट अलाउड होते हैं सेरेमनी पे, उसमें लिखा हुआ था. तो आदि और अभी दो गेस्ट हमारे चल रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं भाई आज क्या होता है. फिर अब एक्साइटमेंट हो रही है. बस जा रहे हैं आदि के घर उसको पिक करने के लिए एंड देन लेट्स गो. और बहुत पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है. जैसे कि मैंने बताया था कि हर किसी की लोकल काउंसिल होती है, वहीं पर ही जाना होता है, वही काउंसिल अरेंज करती है. तो आई थिंक वहाँ पे मेयर आते हैं, क्या होता है आई डोंट नो कि क्या प्रोसीजर होता है, वो कुछ लिखा नहीं हुआ था. और मैंने तो अपनी स्मूदी जो है वो कैरी किया, ग्रीक योगर्ट, स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज. तो अभी मैं तो ये पीने वाली हूँ. आदि भी आ चुका है, लेट्स गो. 12 मिनट का रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है. हम लोग वॉरिक एंटर हो चुके हैं और आई थिंक काउंसिल भी यहीं का ही होगी. 3 मिनट दिखा रहा है. और यहाँ पे वॉरिक में घर देखो कैसे ब्लैक पुराने स्टाइल के बने हुए, बिल्कुल ना उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं जो पुराने घर होते हैं ना. ऑटोमेटिक पार्किंग का फायदा यही उठाते हैं हम, जो पैरेलल पार्किंग होती है ना, दो गाड़ियों के बीच में पार्क करनी, खुद ही करती है गाड़ी पार्क. क्योंकि कई बार ना जगह नहीं होती बिल्कुल भी, और एक बारी में पार्क ना हो तो फिर थोड़ा ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई पीछे वाले वेट कर रहे होते हैं. बट यार मेरे को ना कभी कभार ऐसे डर सा लगता है कि ये डर क्यों है, मैंने ठोक ठोक ना दे. मैं हूँ नहीं यहाँ पे इसको संभालने के लिए. हो गया सही है, और सही पार्क कर दी. हम लोग पहुंच चुके हैं अभी वहां पे. मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहा था और ये है जहां पे सेरेमनी होने वाली है. तो अभी और आदि वहां पे हैं, फोटोज ले रहे हैं और मैं यहां पे हूं. काफी सारे लोग आए हैं. क्या कह रहे हो यार, अच्छा तो लग रहा है. अच्छा तो लग रहा है. ये क्या है, ये मेरा है, ये आपकी सीट है, ये मेरी सीट है. तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल चुका है फाइनली, और अभी हम लोग चाय कॉफी वगैरह पी रहे हैं. मेरे को घर से बोल के आया था लंच मिलेगा वहाँ पे. मुझे क्या बताओ, चाय कॉफी और एक बिस्किट पकड़ा दिया. हम लोग आ गए छोटी सी पार्टी करने के लिए. तो सिटीजनशिप सेरेमनी के बाद हम आ गए हैं थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशन करने के लिए, पिज्जाज खाने आए हैं. वेदर इतना ज्यादा अच्छा हो चुका है, एकदम इतनी प्यारी धूप निकल आई है अचानक से ही. कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, तो एकदम ना यहाँ पे एकदम यहाँ पे रेनबो भी निकल आते हैं फटाफट. हाँ सही हो गया, बहुत अच्छा वेदर हो गया है. तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं और सिटीजनशिप सेरेमनी हो चुकी है. तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वहां पे होता क्या है. बेसिकली वहां पे ओथ लेनी होती है. दो तरह की ओथ होती है, एक होती है ओथ ऑफ एलिजेंस और एक होती है एफर्मेशन ऑफ एलिजेंस. तो उसमें होता क्या है कि ओथ ऑफ एलिजेंस वो लोग लेते हैं जो गॉड में बिलीव करते हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं, जो कि मैंने ली थी. और जो लोग नॉन रिलीजियस होते हैं, जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, वो एफर्मेशन ऑफ एलिजेंस वाली ओथ लेते हैं. तो दो अलग अलग ग्रुप होते हैं और वो बोलते हैं, एक एक बंदे से बुलवाते हैं. तो ओथ वगैरह हुई, उसके बाद इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन देते हैं. तो अब वो मिल चुका है. अब वो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो भेजना पड़ेगा मेरे अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ इनके पासपोर्ट ऑफिस, यूके के पासपोर्ट ऑफिस में, जहां से हमें पासपोर्ट मिलेगा. तो अभी मैं बस एप्लीकेशन भरने वाला हूं. बाकी ब्रिटिश पासपोर्ट की एडवांटेजेस की बात की जाए, बेनिफिट्स की बात की जाए, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड. सो एक पावरफुल पासपोर्ट है और उसी के साथ साथ यू गेट द राइट ऑफ
राइट टू लिव इन द यूके, वर्क और स्टडी इन द यूके इंडेफिनेटली, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वीजा फ्री ट्रेवल है अराउंड 180 कंट्रीज के अंदर, तो कोई आपको वीजा नहीं लेना, आप सीधा टिकट बुक करो, फ्लाइट टिकट बुक करो और आप सीधा हॉलीडे पे जाओ या कहीं पर भी जाना आपको जा सकते हो। उसी के साथ साथ यू गेट द ऑप्शन टू वोट इन द यूके, वोट कर सकते हो आप। फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है, विच इज वैसे भी होती है, बट आपको IHS फीस नहीं देनी होती, जो कि वीजा एक्सटेंड करवाने के टाइम या वीजा अप्लाई करने के टाइम आप एक IHS फीस देते हो, जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो आपको अब नहीं देनी पड़ेगी। और वो वैसे ILR के बाद भी नहीं देनी पड़ती, बट इट्स योर चॉइस कि अगर आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप लेनी है या ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है या नहीं लेना है। बाकी ILR के बाद भी आपको जो IHS फीस है वो नहीं देनी होती है। अगला बेनिफिट ये है कि आप पब्लिक फंड्स क्लेम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और दूसरा, आगे आपके अगर चिल्ड्रन होते हैं तो उनको आप ब्रिटिश सिटीजनशिप दे सकते हो थ्रू योर सेल्फ। तो अगर एक भी पेरेंट के पास ILR है या सिटीजनशिप है तो जो चिल्ड्रन है उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलती है डायरेक्टली। बाकी ILR पे आप बाहर आउट ऑफ यूके 2 साल के लिए रह सकते हो मैक्सिमम, बट अगर आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो आप इनडेफिनेटली इनडेफिनेट टाइम के लिए यूके से बाहर भी रह सकते हो। तो अगर हम चाहे कल को हम इंडिया में जाके काम करना चाहें या कोई भी किसी भी पर्पज से आउट ऑफ यूके रहना चाहे लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो भी हम रह सकते हैं। तो ये है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और इसके अंदर नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। थोड़ा सा ही दिखाता हूँ क्योंकि फिर नीचे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके का कुछ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये जाता है, इसको भेजना पड़ता है हमें इंडियन पासपोर्ट के साथ, और फिर हमें मिलेगा यूके का पासपोर्ट। तो अभी एक स्टेप और बाकी है, ये लास्ट स्टेप था वैसे तो, बट इसके बाद अभी एक स्टेप हो रहा है, एक एप्लीकेशन और डालनी है, तो एक बार और पेमेंट कर देते हैं। अभी पैसे देने खत्म नहीं हुए, इतनी पेमेंट करी है, अब एक और पेमेंट कर देते हैं। हाथ ही निकल गया, पूछ से निकलनी बाकी है, जो कि है पासपोर्ट की एप्लीकेशन। उसके पैसे हैं 82 पाउंड 50 पेंस। तो एक और पेमेंट कर देते हैं, और फिलहाल मौसम हो गया बढ़िया, इतनी ज्यादा लाइट आ रही है, मेरे को बार बार एडजस्ट करनी पड़ रही है। और यहाँ से जो सनसेट दिखता है ना, इतना अमेजिंग सनसेट दिखता है, अलग अलग कलर्स दिखते हैं स्काई में। मजा आया और सही था। अब देखो, हर कोई, हर किसी की अलग अलग थिंकिंग होती है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो, हर किसी के अपने प्रैक्टिकल रीजंस है, वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन आवर लाइफ। अगर प्रैक्टिकल रीजंस के अकॉर्डिंग हमें ट्रैवल जो है वो इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो वो हमारा एक सबसे बड़ा रीजन था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पासपोर्ट ले लेना चाहिए। साथ ही साथ हम OCI भी अप्लाई कर दूंगा मैं साथ के साथ ही, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी यार हम लोग जाते रहते हैं और उसका बार बार वीजा नहीं लगा सकते, तो OCI कार्ड होना चाहिए। तो वो जब अप्लाई करेंगे तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट की एप्लीकेशन फाइल करता हूं मैं आज बैठ के आराम से, और फिर जब पासपोर्ट आएगा फिर उसके बाद यूरोप के ट्रिप्स बनाएंगे। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने कमेंट्स फीडबैक जरूर देना। और मैं अगेन आपको कह रहा हूं, यस, सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो किसी को इस छोटी सी वीडियो देखने के बाद जज मत करना, ठीक है। तो पूरी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होते हैं लाइफ के, हर किसी के अपने चॉइसेस होते हैं, तो इसीलिए कमेंट जरूर करना। अच्छे फीडबैक आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, अगर गलत फीडबैक आएंगे तो यार हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही आपके साथ रख सकते हैं। तो इसीलिए होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।